हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद, हमारा गणित डे 44। बेटा आज हम इसमें रेखा गणित से रिलेटेड काम करेंगे। देखिए ओपी और ओक्यू के मध्य घुमावदार दूरी को, जैसे ये जो बन रहा है दो रेखाखंडों के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोण। आपको पता ही है कोण, दो बिंदु ए और बी को मिलाकर एक रेखा बनाए, दो पॉइंट्स लेने हमने, इनका नाम हमने ए बी रख दिया। अब ए बी के ऊपर या नीचे कोई भी बिंदु सी लीजिए, एक बिंदु और लेना है सी। अब ए को सी से और बी को सी से मिलाइए, बताइए इसमें कितने अंतः कोण बन रहे हैं। अंतः मतलब अंदर इसके, तो कितने बन रहे हैं बेटा, तीन। हमने आंसर लिख दिया तीन। और इस आकृति का नाम क्या है, त्रिभुज, आपको भी पता है ना। यदि एक घड़ी में दो बजे हैं, घड़ी बना लेते हैं, दो बजे हैं इसमें, तो बताइए इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है कि घड़ी में एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो 2 बजने तक कितने मिनट हो गए यहाँ पे बेटा, 10 मिनट। ये 5 मिनट होते हैं, फिर 5-5 मिनट आगे बढ़ता रहता है ना, तो टोटल 10 मिनट में हमसे पूछा जा रहा है। तो 6 को 10 से गुणा कर देंगे, 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब आपने अनेक बिंदु लेकर उन्हें जोड़कर बंद आकृतियां बनाई, इन आकृतियों को क्या कहते हैं, बहुभुज। क्या कहते हैं, बहुभुज, पॉलीगन। नेक्स्ट है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था त्रिभुज, ट्रायंगल कहते हैं इसे। 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आपकी कक्षा के श्याम पट की कितनी भुजाएं हैं, ब्लैक बोर्ड की, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड की 4 भुजाएं हैं। इसकी भुजाओं में क्या खास बात है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या यह कोई विशेष चतुर्भुज है, यस, आयत है। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत, रेक्टेंगल। और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, इन्हें आप अपने आप लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका पेंसिल बॉक्स है, डेस्क है, बुक है ना, इस तरीके की चीज़ें आप अपने आप आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्र में उपयोग की गई आकृतियों के नाम लिखिए। तो आप भुजाएं गिन लेंगे, तो ये क्या बन गया, षटभुज। कितनी भुजाएं हैं, 6। ये समांतर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं। आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाएं। फिर वर्ग होता है, इसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं। समलंब चतुर्भुज, जिसमें एक जोड़ा समांतर होता है, और इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं। और इस डॉल में हमें बेटा जो इसने कलर हमें बता रखे हैं, वही हमें यहाँ पे भरने हैं। तो ये तो बहुत सुंदर काम है ना। देखिए इस तरीके से फाइनली आपकी डॉल दिखाई देगी। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।